सामान्य हवा के झोंकों में फूल पत्तियां आनंद से खिलोरते रहते हैं, इसमें क्या आश्चर्य है। लेकिन जब तूफान चलता है और इस किस्म का कि बड़े बड़े पेड़ों को भी उखाड़ के रख देवे, तो कुछ समय ऐसा लगता है क्या प्रकृति का नाश ही कर देगा ये तूफान। ठीक उसी प्रकार ऐसा ही एक तूफान आज से ठीक 1900 वर्ष पूर्व धर्मद्रोहियों के माध्यम से उठा था, और यही आशंका व्यक्त की जा रही थी क्या जैन दर्शन समूल नष्ट हो जाएगा। जो भगवान की वाणी की चतुर्विध संघ का सद्भाव पंचम काल के अंत पर्यंत रहेगा, ये देशना पंचम काल के अंत पर्यंत रहेगी, क्या वो झूठी सिद्ध होगी। इसी के बीच में एक महान सूर्य का उदय हुआ था। आचार्य समंत भद्र, जिनको एक शिलालेख में जिन शासन का प्रणेता कलिकाल गणधर ऐसा तक कहा गया है, उनका संक्षिप्त परिचय हमने विगत दो कक्षाओं में देखा। उनकी 10 कृतियों के बारे में विशेष विशेष चर्चा भी की जा सकती है, लेकिन समय अभाववश आप्त मीमांसा की कुछ थोड़ी सी जानकारी आपको मिले इसलिए कुछ कहूंगा। लगभग 114 कारिकाओं से युक्त कारिका, कारिका का अर्थ यह होता है वह छंद जिसमें न्याय भरा हो उसे कारिका कहते हैं। इसलिए देवागम स्तोत्र के जो छंद है उनको कारिका कहते हैं। वे छंद जो गहन गंभीर हो, जिसमें पूरा न्याय भरा हो, 114 कारिकाओं से युक्त आप्त मीमांसा लिखी। ये जैन इतिहास में पहला ही अवसर था कि कोई छद्मस्थ साधारण व्यक्ति भगवान को चुनौती देवे। हरेक के बस की नहीं होती है और हरेक झेल भी नहीं सकता, हरेक किसी को चुनौती नहीं दे सकता और हर कोई चुनौती झेल भी नहीं सकता। आनंद हुआ था मुझे जब मैंने सुना था बिल क्लिंटन पूर्व राष्ट्राध्यक्ष रहे हैं अमेरिका के, 10-20 साल पहले की बात है जब हम थोड़ा बहुत राजनीति का समझते थे, 20 साल पहले लेना पड़ेगा, 10 साल में तो राजनीति में क्या हुआ है चढ़ाव उतार उससे तो पूर्णतया अनभिज्ञ हूं मैं। ये जितनी भी जानकारी है मुझे और पीछे चलना पड़ेगा, 15-20 साल पहले बिल क्लिंटन राष्ट्राध्यक्ष रहे अमेरिका के, उनको उन्होंने रास्ते पर किसी को टोका, बच्चे को तुम ऐसा मत करो, बच्चे ने पूछा तुम कौन होते कहने वाले, तो सिक्योरिटी गार्ड सब लगे थे, ये भी ख्याल में था ये साधारण गाड़ी नहीं है, बत्ती लगी वाली गाड़ी है, वह साधारण पोस्ट का होगा, लेकिन उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा हंसते हंसते, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री। तो उन्होंने पूछा व्हाट इज द प्रूफ, इसका प्रमाण क्या है, शो योर आई कार्ड। उसको आई कार्ड दिखाना पड़ा तो उसने डिक्लेयर किया असेंबली में, नाउ आई हैव गॉट एश्योर्ड, अभी मैं हर प्रकार से निश्चिंत हो गया हूँ, मुझे विश्वास हो गया है कि हमारा देश बिल्कुल पीछे नहीं रह सकता।
जहां पर असाधारण व्यक्ति की अत्यंत साधारण व्यक्ति भी परीक्षा बिना रोक टोक के करने की ताकत रखता हो, वहां पर गफला नहीं हो सकता। ये जैन शासन भी इतना सद्भाग्य हमारा है कि अपर हर कोई भगवान को चैलेंज दे सकता है, लेकिन ना ना भगवान का विरोध करने के लिए नहीं, भगवान बनने ही के लिए तो सब चल रहा है हमारा। और भगवान की परीक्षा करने के उपरांत भगवान से प्रभावित हुए बिना रहता नहीं है, और फिर भगवान से जीवन भर हटता नहीं है, फिर उन्हीं के सानिध्य में चलता रहता है। सर्वोत्कृष्ट उदाहरण तो हमारे गणधर है इंद्रभूति, सबसे बड़ा विरोधक सबसे बड़ा समर्थक बन जाता है, सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। इसलिए विरोध करने के बहाने भी कोई भगवान के पास आए तो वो विरोध नहीं कर पाएगा ना। गुरुदेव को जब सोनगढ़ में विराजते थे, गुरुदेव का अपने का अलग सा काल था, और ही मेड हिस्ट्री, रियली ही वॉज अ हिस्टोरियन। इतनी प्रतिकूलताओं को झेलना हंसी खेल नहीं है। हम उनसे 10 गुना भी आज अध्ययन करें, बात अध्ययन की नहीं होती, बात किन विकट परिस्थितियों में आदमी खड़ा हो रहा है बात उसकी होती है। आप समझ रहे हैं, झोपड़पट्टी में कोई जन्मा वाला बोर्ड और यूनिवर्सिटी को टॉप करे, सब प्रकार से अभावग्रस्त, पुस्तक का ठिकाना नहीं, ये तो कोई बात है। और जो सुबह से लेकर रात तक जिसको ना खाना, जिसको ना कुछ बोझा है, कोई जिम्मेदारी है, कुछ भी नहीं है, वो टॉप करे तो उसमें क्या आश्चर्य है। जो लड़का अब्राहम लिंकन, उस अब्राहम लिंकन को दिन भर काम करना पड़ता था दूसरों के यहां, और चौक नहीं था उसके पास, आपको पता होगा वो जो सिगड़ी होती है कोयले की सिगड़ी, उसमें जो छोटे छोटे कोयले बन जाते और नीचे गिरने लगते ना बाद में, जो यूजलेस हो जाते हैं, नॉट फिट, वो तो उसके चौक थे और सभी रोड उसके स्लेट थी। उसके पास ही इवन डिडंट अफोर्ड स्लेट एंड चौक, ऐसा इस तरह का उसके एजुकेशन रहा है अब्राहम लिंकन का। पीठ तो उनकी थपथपाई जाती है जो हर प्रकार से अभावग्रस्त होते हुए हर प्रकार से सर्वोत्तम सिद्ध होते हैं, जिनको सभी प्रकार की अनुकूलताएं दी जाने पर जो कुछ कर दिखाए तो ठीक है, बड़ी बात नहीं होती है। समझ में आया, हरेक कमल कीचड़ में से ही खिलता है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। कितने सौभाग्यशाली है हम तुम सब, हम ऐसे जैन दर्शन में जन्मे जब पर हर कोई भगवान को चैलेंज कर सकता है। ग्रंथ का नाम है आप्त मीमांसा। किसकी परीक्षा कर रहे हो आप? आपको शर्म नहीं आती इतने बड़ों की परीक्षा कर रहे हैं? इट इज माय बर्थ राइट। ये हमारा अधिकार है? नहीं, जन्मसिद्ध अधिकार ही है, ऐसा नहीं, बट ये हमारा कर्तव्य है। क्या कहा मैंने? अधिकार और कर्तव्य समझते हो? अधिकार मतलब ओके यू कैन डू, ड्यूटी मतलब यू विल हैव टू। भगवान की परीक्षा करना हमारा अधिकार नहीं, हमारा कर्तव्य है। ये समन्त भद्र स्वामी का जीवन हमारे सामने ना होता तो आज हम कितने असहाय होते, हम कितने दीन होकर आज भक्ति करते भगवान के सामने मालूम? हम भी गिड़गिड़ाते और विषय भोगों की मांग करते, और जो हम सरीके हैं वो तो कभी आते ही नहीं भगवान के पास। समझ में आ रहा है? जो भिखारी वृत्ति वाले हैं, हे भगवान, एक कवि ने लिखा, हे भगवान तूने आदमी को झुकने वाले घुटने क्यों दिए? नहीं नहीं, हे भगवान क्या लिखा है, हे भगवान तुमने लोगों को क्या कहा है, साहित्यकार ने ऐसे लिखा है कि दूसरों को हाथ पैर क्यों दिए, फिर वो दूसरों के सामने फैलाने के लिए हाथ क्यों दिए, हाथ दिए ठीक किया,
साहित्यिक न्याय ऐसे लिखा है एक जगह, मैं थोड़ा भूल रहा हूं, सेंस बता रहा हूं, तुमने दूसरों को हाथ दिए ठीक किया, पैर दिए ठीक किया, लेकिन यह हाथ दूसरों के सामने फैलने के पहले तुमने उसको काट क्यों नहीं दिया, घुटने दूसरों के सामने टेकने से पहले तुमने उसको हटा क्यों नहीं दिया, ऐसे बेबस और भिखारी लोगों को तुमने कैसे क्यों पैदा किया। ठीक है, संबंध भद्र स्वामी का जो आप्त मीमांसा है वो इसी धारा में चलता है पूरा, जैसा मैंने कहा है प्रारंभ ही उन्होंने किया है, देवागम नभोयान चामरादि विभूतया माया विश्व पिदृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। हे भगवान, हम आपके पास कोई आपका वैभव देखकर नहीं आए हैं, आपका आकाश में चलना, कितने ही देवों के द्वारा चमर ढोरे जाना, छत्र सिंहासन आदि विभूतियों से युक्त आपका दैदीप्यमान शरीर, वो निधिया रत्न सब आपके चक्कर काट रहे हैं योजनों तक, भगवान ये हमको किंचित भी विस्मयकारी नहीं है। हम उसकी तरफ आंख उठा के देखने की आशा नहीं रखते। कौन ये संबंध भद्र बोले ऐसे, क्या है दम इसमें, ये तो सब मायावियों के पास भी होता है। भगवान आप इस भ्रम में नहीं रहना कि हम आपका दर्शन करने के लिए इस इन वैभव को देखकर आए हैं। हे भगवान, हम आपके पास इसीलिए आए हैं क्योंकि आप वितरागी हो, आपको भी इसकी तरफ आंख उठा के देखने का तक भाव नहीं होता, ये आपका अतिशय है। मैंने थोड़ी दिन पहले कहा था भगवान में क्या अतिशय है, कि वो बाहर में किसी किसी भी चीज को अतिशय देखते ही नहीं है, ये भगवान का अतिशय है। और बाहर के अतिशयों को जो अतिशय के रूप में देखते हैं उनको भगवत्ता कैसे प्रकट हो सकती है। खूब पढ़ना, पूरा न्याय है आप्तमीमांसा में, भाव एकांते पदार्थानां भावनाम पन्नवात सर्वात्मकम मनद्यांत मस्वरूप मतावकम। यदि वस्तु को सर्वथा अभाव रूप माने तो भाव का निषेध सिद्ध होगा, भाव का निषेध सिद्ध होगा तो वस्तु की सिद्धि कैसे करोगे। बोध वाक्यम प्रमाणम न केन साधन दूषणम, यदि वस्तु को सर्वथा भावात्मक मानोगे तो अभाव सिद्ध नहीं होगा, और यदि अभाव सिद्ध नहीं होगा तो वस्तु सर्वात्मक सिद्ध होगी, अनादि सिद्ध होगी, अनंत सिद्ध होगी, आपके शासन में ऐसा कैसे हो सकता है। पूरे ऐसी स्तुति है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं आप्तमीमांसा में ऐसी स्तुति की है संबंध भद्र स्वामी ने कि पूरी 114 कारिकाओं में भगवान का कहीं भी नाम नहीं लिया है, ऐसी स्तुति की है। और तीन जगह पहले तीन छंदों में थोड़ा उल्लेख है, वो भी इस स्तर का, भगवान आप ब्रह्म में नहीं रहना, हम इसके कारण आपके पास आए हैं। ये संबंध भद्र स्वामी आप समझ रहे होंगे अभी, और इन्होंने खूब परीक्षा की है, और इनके वाक्य भी बहुत प्रसिद्ध है, नास्माकं परीक्षा प्रधानानां, मेरे जैसे परीक्षा प्रधानियों के लिए ये हरगिज बर्दाश्त नहीं है, चेलागिरी चापलूसगिरी हम नहीं करते। भगवान आप तो वीतरागी हो, इसको देखकर हम आकर्षित हुए हैं, बस हमको कुछ पदवत चाहिए होगा, भूल जाओ, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, और आप यदि देने लग जाओ एक सेकंड हम रुकेंगे नहीं यहां पर, लोग कहते हैं आप हमको कुछ देंगे नहीं तो एक सेकंड रुकेंगे नहीं अपर कहते हैं आप यदि देने लग जाओ तो एक सेकंड रुकेंगे नहीं। देवेशो भगवान कैसा, लोक में कहते न देवेशो भगवान कैसा, अरे तू कैसी बात करते हो, देने की जिम्मेदारी वो क्यों ले गए अपने माथे, हमको तो निर्भरता चाहिए थी, हमको भीख नहीं चाहिए। समझ में आया, संबंध भद्र स्वामी का जितना निरूपण किया जाए कम है। दक्षिण में घूमते घूमते एक बार होना चाहिए गृहस्थ अवस्था की घटना हो, मंदिर में गए, 10 बज गए होंगे, माली ने बोल दिया कल अभी दर्शन नहीं हो सकते। संबंध भद्र स्वामी ने कहा भाई नहीं करने हमको भगवान के दर्शन, तुम्हारे भगवान के दर्शन हमको नहीं करने। जिसने डंके की चोट भीरी माया ताड़िता भीरी बजा बजा कर जिसने सर्वज्ञता आज हाथ पर रखे आंवले के समान प्रदर्शित कर रखी है, तुम ऐसे ऐसे जीवों को तुम भगवान के दर्शन को मना कर रहे हो, नहीं करने मुझे दर्शन। और इस प्रकार की धारा और सभी स्तोत्रों की रचना उन्हीं ने की है।
आश्चर्य समझ रहे आप, जिन्होंने भगवान को यह कहा कि हम चमर वोवर को देखकर आकर्षित नहीं हुए हैं, उन्होंने कितने स्तोत्रों की झड़ी लगा दी। एक छंद तो इतना सुंदर लिखा है, आप हरेक जन इसको याद करें, करेंगे ही। आप पूछेंगे, मैंने तो वो छंद तो मेरे ही पास है, वो आज आपके लिए, उसके लिए आपके आना नहीं पड़ेगा। ये स्वयंभू स्तोत्र का एक छंद है, देखिए क्या आशय है इसका। वे कहते हैं, भाव ये है, हे भगवान, वहां पर क्या कहा दक्षिण में उन्होंने, नहीं चाहिए हमको ऐसे भगवान के दर्शन। शायद वे ये कहना चाहते होंगे कि बिना भगवान के ही हम दर्शन कर सकते हैं। देखिए देखिए, थोड़ा थोड़ा पास में आते अपन, भगवान की पूजन करो। हैं, कैसे पूजन करें, हम धोती दुपट्टा ही नहीं है। अरे मूर्ख, पूजन भगवान की करनी है कि धोती दुपट्टे की करनी है? ठीक है ठीक है ठीक है, करो पूजन। कैसे पूजन करें, कुछ चढ़ाने को तो है ही नहीं। अरे तुम्हें भगवान की, भगवान की पूजन करने के लिए दो ही चाहिए, एक तो तुम और एक तो भगवान, दोनों है ठिकाने। द्रव्य किसको चढ़ाना है, उनको तो चाहिए ही नहीं कुछ। पूजन के लिए दो ही तत्व चाहिए, कैसे कपड़े चाहिए और कैसा चाहिए, कौन चाहिए, कैसा चाहिए, कौन सी जाति का चाहिए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, स्तुति क्या, सुस्तो क्या कहते, दुस्तुतो पीवा, सुस्थित हो या दुस्थित हो, पवित्र हो या अपवित्र हो, कहते ना अपन। तो उन्होंने कहा, देखो भगवान, एक छंद में ऐसे लिखते हैं, भगवान मैं हरदम तुम्हारी भक्ति करता हूं, इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं ना, कोई लोग पूछते आप रात्रि में पूजन नहीं मानते, तो हम कहते क्या तुम मानते हो क्या रात्रि में? सुनो सुनो जरा, तो कहते जिस पूजन की तुम चर्चा कर रहे हो ना, वो तो हम दिन में भी नहीं मानते। कौन सी, ये क्रिया वाली। और जिस पूजन की हम चर्चा कर रहे हैं ना, वो तो हम रात में भी करते हैं, भाव पूजा। भाव पूजा तो हम सदैव करते हैं, और क्रिया की पूजा तो आज तक भी किसी ने ही नहीं की है। ठीक है, एक छंद में ऐसे लिखते हैं ये संबंध भद्र स्वामी, हे भगवान मैं तो निरंतर तुम्हारी पूजा करता रहता हूं। कैसे, कह रहे ये मेरा मन है ना, ये निरंतर तुम्ही को सोचता रहता है, ये श्रद्धा है ना तुम्ही को देखती रहती है, ये हाथ है ना ये तुम्हारे सामने अंजलि करते हैं, ये गर्दन है ना तुम्हारे सामने झुकती है, मेरा एक एक अंग ये तुम्हारे लिए समर्पित है। मैं पढ़ता हूं छंद, आप सुनेंगे। सुश्रद्धा ममते मते स्मृतिरपि त्वयर्चनम चापिते। सुश्रद्धा ममते मते, मेरी श्रद्धा भी आप ही के प्रति है, स्मृति भी मुझे आप ही की आती रहती है, पूजन भी मैं आप ही की करता रहता हूं। हस्तावंजलये, यह हाथ भी आप ही के सामने अंजलि लेकर आवर्त देते रहते हैं। कथा श्रुतिरत, और ये कान भी आप ही के वचन निरंतर सुनते हैं। कर्णोक्षिसं पेक्षते सुस्तुत्यां व्यसनं शिरोनति परम, ये मस्तक तुम्हारे सामने नत होता है। हे भगवान मैं क्या कहूं, सुस्तुत्याम व्यसनम, मुझे तो आपके स्तुति का व्यसन हो गया है, व्यसन हो गए, व्यसन आपकी स्तुति का। सुस्तुत्या व्यसनम शिरोनति परम सेवे दृशी ये नते तेजस्वी सुजनो हमें वसुकृति ते नैव तेज पते। स्तुति विद्या का है, स्तुति विद्या का 14वां छंद है ये। ऐसे संबंध भद्र स्वामी है। मैं आगे बढ़ूंगा, ग्रंथ की तरफ हम प्रारंभ करते हैं। रत्नकरण शावकाचार्य के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं। रत्नकरण शावकाचार्य का एक और नाम, कई नाम विद्वानों के माध्यम से सामने आए हैं, समीचीन धर्मशास्त्र।
यह नाम दूसरे छंद को मुख्य करके आया है। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवरणम, उसको मुख्य करके विद्वानों ने इसी ग्रंथ का एक नाम समीचीन धर्मशास्त्र ऐसा दिया है। इसका कई जगह नाम रत्नकरंड है। सुनते हैं श्रावकाचार्य, बाद में जोड़ा गया विषय वस्तु को देखकर, क्योंकि अपने शब्दों में रत्नकरंड इतना ही मिलता है टीकाकारों के माध्यम से। कहीं कहीं मिला है रत्नकरंड उपासक आचार, पत्रिकाओं में कास्केट ऑफ जेम्स, रत्नों का पिटारा रत्नकरंड के रूप में कास्केट, नॉट अ बास्केट, करंड पिटारा, करंडक प्रॉपर वर्ड होता है। वैसे पिटारा किसको कहते, करंडक? करंडक वह चीज है जो अपने अंदर जो चीज है उसको सुरक्षित करती है। यह करंडक पिटारा अपने अंदर में स्थित समस्त रत्नों को सुरक्षित करता है। यह रत्नकरण का जो आश्रय करेगा वो अपने सम्यक्त को सुरक्षित रख पाएगा और महाव्रत की भी प्राप्ति कर लेगा। समझ में आ गया क्या कहा मैंने? दोनों तरफ से रक्षा समझना। रक्षा मतलब एक तो जो है वो चला न जाए और जो नहीं है वो उपलब्ध हो जाए। श्रावकाचार इज अ सॉर्ट ऑफ ब्रिज विच कनेक्ट्स द टू शोर्स, एक अव्रति और एक महाव्रति के बीच का ये ब्रिज है। समझ गया? इस ब्रिज पर जो आरूढ़ होगा वो महाव्रत की प्राप्ति करेगा ही करेगा। सबसे पहले लिखा जाने वाला श्रावकाचार है ये। आज तक लगभग सैकड़ों श्रावकाचार लिखे गए हैं, लेकिन इसकी सुंदर विषय वस्तु को लेकर ये बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है। एक शंका उठाई जाती है, उसको थोड़ा लेते हैं। ये 50 साल पहले बहुत शंकाएं उत्पन्न की जा रही थी, रत्नकरण के कर्ता कौन, क्योंकि डेफिनेट कोई आधार नहीं मिल पा रहा है। तो कहने वालों का यह कहना था इसके कर्ता 10वीं सदी के होने चाहिए। आधार उन्होंने दिया था अंतिम छंद होगा आपके पास 147, उसमें क्या है छंद पढ़ना, वित्त कलंक है, ये न विद्या वित्त कलंक है। 149 नहीं होगा, 149 है, 475 पेज है। हम सब एक साथ उस छंद को पढ़ेंगे। 149, येन स्वयं वित कलंक विद्या दृष्टि क्रिया रत्न करंड भावम नीतस्तमायाति पतिच्छयेव सर्वार्थ सिद्धि स्त्रिषु वेष्ट पेश। अनुमान किया जा रहा था कि अकलंग स्वामी और विद्यानंदी आचार्य के बाद यह ग्रंथ हुआ है, और पूज्यपाद स्वामी के बाद। पूज्यपाद को नाम से तो याद नहीं किया, कृति के रूप में याद किया है, सर्वार सिद्धि। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है देवेश? सर्वार सिद्धि पूज्यपाद स्वामी की टीका है तत्वार सूत्र पर, शानदार बेहतरीन अतुल्य टीका है ये। तो ऐसा किया जाता था। उससे पहले एक बात याद आई है, पहले मैं बता दूं आपको। आप्तमीमांसा का थोड़ा बता रहा था, उसको मैं कहना भूल गया हूं। आप्तमीमांसा का दूसरा नाम है देवागम स्तोत्र। ये इतना प्रसिद्ध हुआ, इसके ऊपर अष्टशती अकलंग स्वामी ने लिखी है, 800 श्लोक प्रमाण। इसी को आधार बनाकर विद्यानंदी आचार्य ने अष्ट सहस्त्री 8000 श्लोक प्रमाण, यही आधार है आप्तमीमांसा। हां, तो मैं ये कह रहा था रत्नकरण के कर्ता को लेकर बहुत
प्रश्न तर्क कुतर्क वितर्क खड़े हो गए थे 50-60 साल पहले, उनका ये कहना था ये बाद में होने चाहिए इसके कर्ता। ये समन्त भद्र स्वामी की कृति तो वैसी नहीं लग रही है, क्योंकि समन्त भद्र की प्रकृति अलग है। उनकी प्रकृति तो परीक्षा प्रधानता की है, न्याय खंडन मंडन उनका नेचर है। वे ऐसा ग्रंथ कैसे लिख सकते हैं ढीला? लोक में होता है ना, बहुत बड़ा कोई हीरो हो, हमने उसको देखा हो स्क्रीन पर हमेशा एक पर्टिकुलर इसमें रोल के रूप में, और एकदम कॉमेडी का ये लेकर आए, तो एक प्रकार से पहले व्यक्त किया जाती है, आशंका व्यक्त की जाती है कि ये फिल्म सक्सेसफुल होगी क्या, आज तक पब्लिक ने इस रोल में कभी, जैसे हम पर्टिकुलर हीरो के इमेजिन करें तो अमिताभ बच्चन, एंग्री यंग मैन, वो डैशिंग पर्सनैलिटी चाहिए, और 10-5 वो दिखाए बिना, स्टंट दिखाए बिना वो फिल्म ही पार नहीं पड़ेगी। और ऐसा आदमी यदि कॉमेडी फिल्म बनाए तो वेदर इट विल बी सक्सेसफुल, तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा रहता रह पड़ता है। लेकिन जो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी होते हैं वे तो ये कहते रहते हैं कि साहब आप तो हमको बताओ हमको रोल किसका करना है, कॉमेडियन करेंगे, डांसर करेंगे, और एकदम एंग्री यंग मैन करना है बस करेंगे, आप तो हमको रोल बताओ किसका करना है। ठीक है, समन्त भद्र तो कुछ भी आश्चर्य नहीं है, जिन समन्त भद्र ने इतना वाद विवाद किया हो उसने श्रावकाचार्य लिखा हो, इसमें क्या आश्चर्य लगता है? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो किसी का कहना नहीं उन्होंने कैसे बनाया होगा, इसमें तर्क युक्ति कुछ भी नहीं है और उनको तर्क युक्ति की बात है, तो पहले तो उनकी बात ऐसे कटती है, क्योंकि स्वयंभू स्तोत्र स्वयं बिना तर्क युक्ति वाला तर्कहीन मात्र स्तुति साहित्य है, मात्र जी हुजूरी का ग्रंथ है। और जैसे आप्तमीमांसा में खंडन मंडन की बात है परीक्षा की, ऐसी तो उनके भी अन्य ग्रंथों में नहीं है, तो हम यहां पर क्यों अपेक्षा करते हैं? ठीक है, कोई मना तो नहीं है ना किसी को कोई ग्रंथ लिखने की, सभी जगह अप्रोच कर सकते हैं। कौन कौन स्वामी यदि कोई श्रावकाचार्य लिखे तो एकदम हमको कैसे लगेगा? अरे एकदम ऐसा लगता है कैसे ऐसे कैसे हो गया, वो तो आध्यात्मिक थे, वे तो आध्यात्मिक थे, क्यों भाई उसमें दिक्कत क्या हो गई? सब प्रकार के आप जानते हो, इसलिए एक आशंका यह भी व्यक्त की जाती है कि षटखंडागम पर पहली टीका देवेश, षटखंडागम के प्रथम 3 खंड पर टीका कुनकुन स्वामी ने लिखी थी एक परिक्रम नाम की, वो आज लुप्त तो हो गई है, खत्म हो गई है, और यदि वो मिलती तो कैसा होता फिर आपको, कैसा होता आपको? मतलब आप यकीन मानते क्या? यकीन मानते और इतनी हे दृष्टि से भी नहीं देखते आप कर्नल योग की तरफ। आप समझ गए क्या नाम है आपका? हाँ, समर्थ। समर्थ समझते हो मैं जो कहता हूं? उपयोग तो 5-6 बच्चों का ही थोड़ा ज्यादा ही अच्छा रहता है, बाकी बच्चों का तो थोड़ा ढीला ढीला ही चलता है। ये LLB तो एकदम अपने अपने दुनिया में रहते हैं, लॉर्ड ऑफ लास्ट बेंच। नहीं समझ में आपको अच्छा लगता है पीछे बैठना? चलो चलो सुनो क्या कहा मैंने, परिक्रम नाम टीका कुछ भी हो सकता है, कोई भी कैसे भी ग्रंथ लिखे उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है। पहले तो हम ये विचार करें कि इन्होंने श्रावकाचार्य लिखा ऐसे कैसे लिख दिया, और उन्होंने लिखा होगा क्या? पहले हम ये समझे कि जिस काल में समन्त भद्र स्वामी थे उस काल में लोगों को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। पहली बात, एक अध्ययन करने की जरूरत नहीं होती थी, उनका ज्ञान ही इतना शुद्ध होता था। ठीक है, और थोड़ा मुनियों का समागम भी बहुत होता रहता था और उपदेश भी बहुत मिलता रहता था, और मुनियों की संख्या भी तब बहुत रहती थी 2000 वर्ष पहले। समागम मिलता तो उपदेश मिलते थे, और उस जमाने में यह चलता था श्रावक
साधु मुखापेक्षी ही होते थे, मतलब जो भी साधु ने कहा सीधा साधु से पूछ लिया, साधु ने जो भी कहा ऐसा करो वैसा करो जी, उनको चुंचरा करना नहीं आता था। व्हाट इज चुंचरा? किम कथम इत्यादि करना नहीं आता था, कैसे क्यों ऐसा आता ही नहीं था। इतने भोले भाले थे उस जमाने के जीव, उनकी श्रद्धा और भक्ति इतनी अगाध थी, वो उनको संशय के मार्ग पर उनको लेके ही नहीं जाती थी। इसलिए आज्ञा प्रधानता का ही साम्राज्य फैला रहता था। जो मुनि ने कहा तुम ले लो मुनि दीक्षा, सामने वो नहीं नहीं कहता था कभी भी, तुम्हारी योग्यता है ले लो दीक्षा, वो नहीं नहीं कहता था। तुम ऐसा प्रतिक्रमण करो, वो ये नहीं कहता मैंने तो ऐसा सोचा था वैसा सोचा था, कुछ नहीं बोलता था। ये थोड़ी सी मंद कषाय का काल था, आप समझ रहे हैं। तो इसमें तर्क युक्ति क्यों आएगी? तर्क युक्ति तब आती है जब विवाद होता है। जहां पर विवाद ही नहीं होता है, बहस ही नहीं है, वहां पर तर्क युक्ति होती है क्या? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जमाने की तरफ अपन देखे तो सब आज्ञा प्रधान ही थे, तो इसलिए तर्क युक्ति की कोई विशेष बात इसमें नहीं आती है। और फिर भी सर्वथा ही तर्क युक्ति इसमें नहीं है, इस ग्रंथ में ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा सा सैंपल दिखाऊंगा अभी आपको। अब खोलेंगे पांचवा छंद, खोलो अभी शिक्षण। पांचवा छंद खोला, कौन सा है पढ़िए। अब तेनो छिन्न दोषेन सर्वगेना गमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा याप्तता भवेत। मैं थोड़ा सा सिद्ध करके दिखाना चाहता हूं न्याय कैसे आया है इसमें। न्याय ऐसा आया है, न्याय की शैली होती है अन्वय व्यतिरेक। कौन सी शैली चलती है? अन्वय मतलब अस्ति, व्यतिरेक मतलब नास्ति। अभी तो चलना है वो छंद। अब तेन छिन्न दोषेन सर्वगेना गमेशिना भवितव्यम नियोगेन, यही भगवान है, यही धर्म का मार्ग, यही देवशास्त्र गुरु है, नान्यथा याप्तता भवेत। इनके अलावा दूसरा कोई नहीं है, ये न्याय की भाषा है। आप समझ रहे? अस्ति नास्ति बोलना ये न्याय की ही भाषा होती है, अन्य भाषाओं में आपको ऐसा कभी नहीं मिल सकता। और हो तो दूसरे ग्रंथों में दिखाओ, उसमें तो इतना ही मिलता है ये देव है, ये शास्त्र, ये गुरु है, खत्म। इसके अलावा कोई देव शास्त्र गुरु नहीं। ये व्यतिरेक की शैली ये न्याय की शैली मानी जाती है। पांचवा छंद हुआ, खोलिए आठवा छंद पढ़िए। विद्यानंदी आचार्य ने समनभद्र स्वामी को परीक्षेक्षण ऐसा बोला है, परीक्षा जिनकी दृष्टि है, इक्षण मतलब आंख। हाँ पढ़िए आठवा छंद। अनात्मार्थम विना रागे शास्ता शास्ति सतो हितम ध्वनन शिल्पी कर स्पर्शान मुरजह किम पेक्षते। तर्क दिया यहां पर, आगे तो हमको एक एक छंद देखना है। मैं थोड़ा सैंपल दिखा रहा हूं आपको क्या तर्क दे रही है। कोई ये पूछे सब जो अभी हुई वो भगवान की वाणी है क्या? हा या ना, हा या ना। अब हा कहोगे तो रागी द्वेषी सिद्ध होंगे, अब ना कहोगे तो आप भगवान के नाम पर ही हमको पढ़ा नहीं सकते। छे द्रव्य, सात तत्व, सात पृथ्वियां, 16 स्वर्ग, ये दिखाने के लिए आप किसकी दुहाई देते रहते हो? आलू प्याज में इतने जीव है, किसकी दुहाई देते रहते हो? महावीर ने कहा, महावीर ने कहा। अब हम आज पूछते हैं महावीर ने कहा कि नहीं कहा? यदि इसके जीव की सिद्धि के लिए आप कहो महावीर ने कहा तो महावीर रागी द्वेषी सिद्ध हुए, महावीर की वाणी हो तो। और यदि आप कहोगे महावीर की वाणी नहीं है तो आलू प्याज खाने को क्यों मना करते हो? तो यहां पर कहा भैया ऐसा नहीं है, जो रागी द्वेषी है वही बोलता है, ये तुम भ्रम निकाल दो। जो रागी द्वेषी वही बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप मोबाइल में सेट करके रख दो ट्यून, वो बराबर वो बोलता है, रे भव्य रे भाई उठ समय हो गया है। हा मेरे इसमें फीड किया है, मुझे कभी आलम की आवश्यकता नहीं पड़ती, आज तक भी नहीं पड़ी मुझे।
तो मैं कह रहा हूं जो फोन है उसमें रिंग टोन भी आती हुआ ऐसे आती है, रे भव्य रे भाई, नहीं अलग है। हाँ अलम के बिना कोई नहीं उठ पाता, नहीं अलम होते हुए भी कोई नहीं उठ पाता आज के जमाने में, जमाना बदल गया है। चलो सुनो सुनो, स्नूज की भी सिस्टम डालने वाले ने किस हिसाब से डाली हो कि मुझे समझ में नहीं आता। स्नूज समझते हो, पहले तो घड़ी ऐसी थी नहीं, पहले तो हाथ रखो और बंद। अब उनको भी पता चल गया कि 5-5 मिनट करता रहेगा तो घड़ी में ही सेटिंग कर दी उन्होंने। चलो मैं क्या कह रहा था, दीपक कुछ समझ में आया आपको? आपको समझ में आया? घबराना नहीं, बाद में लोग समझा देंगे आप। आप लोग चढ़ाई मत करो, इनको प्रेम से समझाए करो। चलो आगे चलते हैं। चलो क्या कहा, अटवा? तो कह रहे भगवान बोलते कैसे? कह रहे भैया भगवान बोलने के लिए उनको राग द्वेष होना जरूरी नहीं है। कह रहे हम जब वो ये बजाते हैं, क्या कहते उसको, बीना बजाते हैं, तो उस समय में हम थोड़ा सा मुरज मुरज कहते उसको, मुरज हम थोड़ा माइन्यूट उसको जर्क देते हैं, उस तार को छेड़ते हैं थोड़ी सी, तो एकदम अलग अलग तारे रहते हैं, अलग अलग ध्वनियां करती है ना। तो कह रहे उनको कौन सी जान है? वो तो कह रहे बाय नेचर अनात्मार्थम बिना रागे शास्ता शास्ती सतो हितम ध्वनन शिल्पी कर स्पर्शान, स्पर्श करते ही मुरज किम अपेक्षित है, मुरज को किसके अपेक्षा है। उसी प्रकार भगवान अपने आप देशना हो जाती है, भगवान को क्या प्रयोजन है उसमें, कोई प्रयोजन नहीं है। ये तर्क युक्ति कहेंगे इसको। ऐसे कई छंद है, अब देख लेना यदि मौका पड़ेगा, अभी तो सभी करूंगा तो ग्रंथ यही पूरा हो जाएगा। फिर अपना 8, 21, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 38, 37, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ये सब छंद है, इसमें पूरी परीक्षा मिलेगी आपको, हम देखेंगे। मैं सुनिए सुनिए, और इसमें सिस्टम वही रहेगी, मैं अद्योपांत इसको पूरा करूंगा, लेकिन पढ़ूंगा शायद ही कुछ आपके सामने कभी, क्योंकि संभव भी नहीं। फिर ऐसे पढ़ेंगे तो फिर ऐसे तो साल लग जाएगा फिर अपने को पूरा करने में। हमको पूरी थीम भी चाहिए, और इसमें आप सबको एक करना है, ये सबको रत्नकरण शौकाचार कंटस्ट करना है भैया, याद करना है। हाँ याद, याद ही कहते कंटस्ट को। तो उसमें आपको क्या करना है, मेरे पास रत्नकरण शौकाचार मात्र छंद है, छंद छपे, तो कोई मेरे पास यदि आता है 4 पेजेस है तो वो ले जाए मेरी जिनवाणी को, और वे फोटोकॉपी कराए, और ऐसे जितने जन है उनके पास वो स्टैपल करके सबको एक एक दिए जा सकती है, प्रोवाइडेड यू हैंडल इट केयरफुली, उसके अविनय ना हो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पेजेस होंगे उसके कोई, और आपके बस क्यों हो तो यू कैन बाइंड इट विथ प्रॉपर कवर पेजेस, उसको कुछ होगा पुट्ठा उठा तो उसको प्रॉपर करिएगा, क्योंकि वो है 3 ही पेजेस, पूरे 150 छंद, 4 पेजेस होंगे दोनों तरफ से, मेरे पास है पूरा। तो एक बार उसका पाठ आपको जैसे मौका पड़े उसका पाठ हो जाए, और यहाँ पर भी भक्ति में उसी के 10-12 छंद किसको पता चलता है रे, मैंने चालू हो गए, लोग बोले कौन सी नई भक्ति चालू की, बहुत आता है इनको। सुनो सुनो ठीक है, ये ग्रंथ के बारे में थोड़ी सी जानकारी हुई, टीका के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ये टीका, एक ही टीका इस पर लिखी गई है अभी तक संस्कृत में, प्रभाचंद्र आचार्य की, इसके अलावा कोई टीका नहीं लिखी गई। सदा सुखदास जी ने आज से लगभग 150-200 वर्ष पूर्व भाषा टीका लिखी है, अच्छी टीका है ये भी, बहुत सुंदर है। एक
कन्नड़ भाषा में अरु गलत छप्पू नाम का एक ग्रंथ दक्षिण में उपलब्ध हुआ है. हूबहू 150 छंद का वो ग्रंथ है, नहीं 180 छंद का वो ग्रंथ है, और हूबहू वही विषय वस्तु है. थोड़ा अपवाद, कुछ कुछ ग्रंथ अलग है. अरु गलत छप्पू, जिसका अर्थ होता है रत्नकरंड. अरु गलत छप्पू मतलब रत्नकरण, उसका अर्थ भी रत्नकरंड है. लेकिन विषय वस्तु बहुत सारी मिलती जुलते हुए भी बहुत सारा अपवाद है उसमें, कुछ अलग अलग गाथा भी है. इससे मालूम पड़ता है कि उसकी टीका होगी, ऐसा हो ऐसा भी नहीं लगता है, लेकिन इसमें रिसर्च की जाए तो कुछ मिल सकता है अपने को. अन्य कोई टीका उपलब्ध नहीं है इस बारे में. सदा सुखदास जी के बारे में थोड़ा सा मैं परिचय कराऊं. ये सदा सुखदास जी, इनका अधिकांश जीवन अजमेर में गया था, उत्तर जीवन, बाद का जीवन. और टोडरमल जी साहब से इनका घनिष्ठ संबंध है. आप बोलेंगे कैसे? टोडरमल जी साहब के शिष्य जयचंद जी छाबड़ा, जयचंद जी छाबड़ा के शिष्य मन्नालाल, और मन्नालाल के शिष्य सदा सुखदास जी. आप समझ गए? अभी इसको कहेंगे प्रशिष्य. क्या कहेंगे? शिष्य के शिष्य को प्रशिष्य कहते हैं. तो ये जयचंद जी के प्रशिष्य थे, शिष्य के शिष्य. मतलब एक प्रकार से समझो वही धारा टोडरमल जी की चलती आ रही है. आप सब इसको अच्छे से प्रिपेयर करना. दिस विल बी अ वेरी फाइन एक्सपीरियंस इन आवर लाइफ, स्टडिंग रत्नकरण शावकाचार. मैं इसका पूरा थीम भी आपको बताता जाऊंगा. आप थोड़ा सा उसके लिए तैयारी चाहिए मुझे आपकी, ठीक है? तो अभी समय का ही अभाव होगा तो होगा, नहीं तो मैं हर प्रकार से उसको देने का प्रयास करूंगा. आपको बहुत इंटरेस्टिंग होगी ये बात. ये सदा सुखदास जी के भी बारे में मैंने कहा, जिनका एक कथानक प्रसिद्ध है आपको ख्याल में होगा. तो कौन सा? ये राजा के यहाँ काम करते थे, मुनीम थे, मुनीम थे. और 30 साल हो गए, इन्होंने सबको इंक्रीमेंट की थी, स्वयं को इंक्रीमेंट नहीं की थी. जब राजा को पता चला, राजा ने कहा भाई सैलरी किसकी क्या? बोले मेरी इतनी. हाँ तुम्हारी अभी इतनी कितनी? बड़ा नहीं, बड़ी नहीं. बोले अभी क्यों नहीं बढ़ाई आपकी आपने? तो उन्होंने कहा यदि आप कुछ बढ़ाना चाहते हो मेरा, तो मेरा धर्म में समय बढ़ा दो, यहाँ का समय घटा दो. ये सदा सुखदास जी थे, बहुत ही कहना चाहिए संतोषी नेचर वाले. वाकई में टीका बहुत ही शानदार है. ये आध्यात्मिक टीका है कहो तो भी चलेगा. ये टीका के बारे में, टीकाकार के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया आपको. अभी आते हैं हम पहले छंद की तरफ. ये जिनका ये कहना है कि हमने दो बिंदुओं पर चर्चा किया अभी, जिनका ये कहना है आप्तमीमांसाकार इतने गंभीर लेखक ये ऐसी साधारण रचना कैसे कर सकते हैं, उनको आशाधर जी ने रत्नकरण श्रावकाचार को सूत्र आगम कहकर अपनी टीकाओं में बोला है. कितने जनों ने याद किया है ये नियमसार के टीकाकार कई हूबहू रत्नकरण श्रावकाचार के छंद लिए हैं. इतनी गंभीर ये ग्रंथ है. और हम इसको देखते हैं अभी मंगलाचरण का. बोलिए, प्रभाचंद्र का टीका का नाम नहीं है ख्याल में. वैसे टीका कोई नाम नहीं है शायद उनका, टीका का नाम नहीं है कुछ. मैंने भी प्रयास किया था उसको देखने को, नाम मिला नहीं मुझे, है नहीं मतलब कहीं छपा. मात्र प्रभाचंद्र द्वारा कृत टीका ऐसा लिखते हैं, ठीक है? और यदि 12 अंगों में कौन से अंग में यह प्रकरण जाएगा पूछे तो उपासक अध्ययनांग. कौन सा? ठीक है, 12 अंग में जिसमें श्रावकाचार्य की पूरी चर्चा आती है. पहला छंद हम सब पढ़ेंगे, पढ़िए सब. नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने
सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते। और एक बात बता दो, ऐसे अनुष्टुप छंद में प्राय है, छंद है सब, थोड़े से अपौद को छोड़कर एकाध छंद वसंत तिलका में मिलेगा। वसंत तिलका मतलब भक्तामर प्रणतमौली, ये वसंत तिलका। कुछ मालिनी छंद में मिलेगा, सुख यतु सुख भूमि कामिनी कामिनी व अंतिम छंद। कुछ वसंत तिलका में 41वां छंद मिलेगा इसका, देवेंद्र चक्र महिमान मयमानम। एकाद एकाद छंद है, एक मालिनी मिलेगा, एकाद एकाद गाथा छंद मिलेगा, एकाद बाकी बहुलता अनुष्टुप की है। अब मैं थोड़ा इसको भी बताऊ आपको, अनुष्टुप छंद क्या है। अनुष्टुप छंद इतना प्रसिद्ध हुआ है, कायदे से इतने प्रकार के छंद होते ना, अनुष्टुप है, वसंत तिलका है, मालिनी है, शालिनी है, शरद विक्रीडितम है, और बोले इंद्र वज्रा है, ये मंदाक्रांता है, जितने भी हो उनको श्लोक जो कहते हैं बहुत उपचार से कहते हैं, ठीक है। अभी परसों एक जन ने बोला, ऐसा बोलते समय अपन बोल जाते पता नहीं चलता, उन्होंने ऐसा बोला कि तुम ऐसी गाथा पढ़नी चाहिए तुमको, ऐसा बोलो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। और चल रहा था वो योगसार के प्रवचन चल रहे ना गुरुदेव के, संडे को कौन से चले, संडे आप लोग आए थे तब, अभी 2-3 दिन पहले योगसार चल रहा था ना, तो उन्होंने कहा, और वो गाथा छंद में बोल रहे थे जो आपको दिखा रहे थे बोल के, वो गाथा था ही नहीं, वो दोहा था। टू योर सरप्राइज एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ऑल्सो, वो जितना भी ये अपभ्रंश होता है, अपभ्रंश ऑलवेज दोहा में ही होता है, अपभ्रंश अन्य भाषा में नहीं होता, दोहा छंद में ही पढ़ना पड़ता है उसको, प्राकृत गाथा में ही होता है। और ये बाकी तो सब अलंकार, ये सब संस्कृत की लीला है, ये सब ये 200 और 500 जो प्रकार के छंद है ना, ये संस्कृत, संस्कृत हैज मेड द लैंग्वेज डेकोरेटिव टेस्टी। ये समझ में आ रहा है आपको, थोड़ा चटपटा बना दिया है, थोड़ा भाव के हिसाब से उसको बना बनाकर, प्रकृति में ऐसा नहीं है कुछ भी, ठीक है, चलते हम। हाँ ये बात दूसरी, गाथा छंद भी 2 प्रकार का है, फिर कभी देख लेंगे। अभी अभी अनुष्टुप छंद की चर्चा करते हैं। रामायण आदि ग्रंथ भी अनुष्टुप छंद में ही लिखे गए हैं। आप्तमीमांसा भी अनुष्टुप इतना प्रसिद्ध हुआ, कायदे से श्लोक तो इसी को कहते हैं, और फिर सबको श्लोक कहने में आने लग गया है बाद में, ठीक है। वैसे नियम तो ये है, अनुष्टुप को ही श्लोक कहा जाना चाहिए, और हमको ज्यादा कुछ नहीं आता हो छंद बोले हम, छंद फिर गाथा दोहा इस पछड़े में नहीं पढ़ना हो तो सबको एक बोला जा सकता है, छंद बोलो अथवा सूत्र बोलो चलेगा, ठीक है। चलो मैं अभी आगे, ये अनुष्टुप छंद की विशेषता ये है, 32 अक्षर वाला होता है ये, बोलो 32 अक्षर वाला। इसलिए ये श्लोक इतना प्रसिद्ध हुआ कि ये ग्रंथों का प्रमाण भी बताने के लिए श्लोक प्रमाण ही बताया जाता है। कितना बड़ा ग्रंथ है साहब, 20,000 श्लोक प्रमाण है। टोडरमल जी साहब ने कितना मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा, 20,000 श्लोक प्रमाण। श्लोक प्रमाण, श्लोक इतना प्रसिद्ध हुआ कि पैरामीटर दिखाने के लिए भी श्लोक प्रमाण कहते। श्लोक प्रमाण मतलब क्या समझना, मतलब 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 32 अक्षर करना, इतने अक्षर है उसमें, ये अर्थ है उसका, समझ गए आप। 32 अक्षर का एक श्लोक। एक जन मेरे पास आए एक दिन और बोला, आपने कहा सर्वार सिद्धि है 12,000 श्लोक प्रमाण, राजवार्तिक है 16,000 श्लोक प्रमाण, मैंने कल बोला था ना यहां पर, यही पर बोला ना, और श्लोक वार्तिक है 20,000 श्लोक प्रमाण। हमने पूरी राजवार्तिक पढ़ी, उसमें श्लोक ही नहीं है कहीं। मैंने कहा तू, मैंने कहा श्लोक थोड़ी बोला मैं, श्लोक प्रमाण, श्लोक होना जरूरी नहीं है, श्लोक प्रमाण इज जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि उसमें कितने अक्षर है। श्लोक मतलब 32 अक्षर समझना।
तो अष्टशती 800 श्लोक प्रमाण, अष्टसहस्त्री 8000 श्लोक प्रमाण, ग्रंथों के नाम भी श्लोक की तरफ से चालू हो गए, इतना प्रसिद्ध हो गए ये श्लोक छंद। समझ में आ रहा है? रामचरितमानस पूरा अष्ट, ये अच्छा लगता है ना गाने में, अच्छा लगता है ये, ठीक है। तो ये 32 अक्षर का मैंने बोल दिया, पुराने जमाने में जो पैसा मिलता था ना दाम ग्रंथ लिखने का, आप पुराने कोई भी ग्रंथ उठाएंगे 300-400 पहले के समय, तो उसमें ऐसा मिलेगा 32 अक्षर हो गए और एक लाल रेखा, फिर 32 अक्षर हो गए एक लाल रेखा। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको पैसा उसी के हिसाब से दिया जाता था, लाल रेखा गिनी जाती थी बाद में, 1 2 3 4 5 6 7 दे दो उनको इतना पैसा। और इसलिए कॉमा फुल स्टॉप को कोई ध्यान थोड़ी रखता था पहले जमाने में, उनको पैसा कॉमा फुल स्टॉप का मिलता ही नहीं था, इसलिए इतनी तकलीफ होती थी इन लोगों से। अब कहीं लिखना है वीतरागी और वीतरा लिख दिया तो, और वहां पर 32 अक्षर हो गए, बस वहां पर वो डंडी खींच देता था और घी लिख देता था आगे, दूसरे शब्द में घुसा देता था उसको। तो नहीं, आप मूल ग्रंथ पढ़ेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कॉमा फुल स्टॉप तो कुछ ही नहीं मिलेगा। और जो डंडे खींचे ना आज अपन ने, आत्मा फिर स्वयं आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ऐसा थोड़ी था पहले कुछ, आत्मा ज्ञा हो गया 32 अक्षर हो गए खींच लो, फिर न जाएगा उसके साथ, किसके साथ जाएगा? नम स्वयं ज्ञानम, फिर वो लगाना पड़ता था। देखो ऐसा जीव अनुभव न करता है, ऐसा जीव अनुभवन करता है, एकदम विरुद्ध हो गया विरुद्ध। अनुभवन को ही आप न को अलग करके छोड़ दो, बिल्कुल विलोम। अरे इतने संकट थे पहले, आज शास्त्र पढ़ने को बहुत सरल हो गया है, सब उसमें परिमार्जन किया है प्रॉपरली, कॉमा आया, फुल स्टॉप आया, विसर्ग आया, उसको अवग्रह चिन्ह डाल दिया, सभी ग्रामर डाल के ऊपर रेखाएं खींच दी और इजी कर दिया सब पढ़ने को। आज कुछ नहीं, पन्ना पलटना पड़ते जाना है। पहले जमाने में ग्रंथ लिखने वाले को इतनी तकलीफ थी, उसको धोती दुपट्टा पहनकर लिखता था वो, और दिन में बहुत हो, टॉयलेट भी जाना है, कपड़े उतारो क्यों छीट भी टूट सकते, बहुत विनय पाली जाती थी। और मुंह बांध के सिर बांध के पहले प्रवचन भी ऐसे ही होते थे, इतनी विनय नम्रता में होते थे, सिर पूरा बांध के ढककर, विनय थी अपनी, मर्यादा थी। क्यों गलती से वो हाथ न चला जाए बाल में, समूर्छन जीवों का पिंड, हाथ ही जाने की बात नहीं है वैसे, बात और भी है, विकार का कारण नहीं बने किसी को, समझ में आया। बहुत मर्यादाओं में ग्रंथ लिखे जाते थे, यहां से मैंने का बताया है बाकी के बैच, उसको पूरी हिस्ट्री बताया, अब मुझे समय इसलिए बर्बाद नहीं करना है क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ये इसलिए मुझे ज्यादा जानकारी नहीं देनी है। यहां से दूसरी जगह भी ग्रंथ जाते थे, सिर पर लेके जाते थे लोग, बैलगाड़ी में भले ही बैठते थे, सिर पर लेके जाते थे, उसको नीचे नहीं रखते थे। आज जैसे पैक कर दिया बक्से में, 100 ग्रंथ जाने तो मंगलायतन, 100 जाने तो जयपुर, 100 जाने तो बांसवाड़ा, ऐसा नहीं होता था पहले, बक्सा था ही नहीं, सिर पर उसको लादते थे, इतनी विनय नम्रता से सब हैंडलिंग होती थी। समझ में आया? अनुष्टुप 32 अक्षर प्रमाण, इतना ही क्यों? नमः समय सारा यस स्वानुभूत्या चकासते, अनुष्टुप से प्रारंभ किया, आत्मख्याति भी चलना है आगे। ये मंगलाचरण है, एक बार पढ़ेगा कोई, पढ़िए। नमस, नमः नहीं, नमस, हाँ बोलो। बस हो गए, बोलो। हाँ, नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्वा दर्पणाय। विद्वा, अरे विद्या विद्या, हम मेरे सुनने में डिफेक्ट हो गए। यद विद्या दर्पणाय थे, कल ही चर्चा कर पाएंगे। वैसे वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया है, देखो एक 6 नियम, कुछ नियम बताता हूं बस करते। फिर ग्रंथ लिखने का एक नियम है, 6 बातें होनी चाहिए।
मंगल मंगलाचरण हेतु निमित्त परिमाण नाम कर्ता छह बातें होती हैं. क्या क्या कहा? नींद आ रही है तुम्हें? ओह वासु सो सैड. क्या क्या कहा मैंने बोलो? मंगलाचरण. मंगलाचरण क्यों होता है? निर्विघ्न समाप्ति के लिए. ठीक है, निर्विघ्न समाप्ति मतलब हरे जिस प्रकार कोई जहर चढ़ा और दवा खाए तो निर्मूल होता है कि नहीं वो जहर, उसी प्रकार पाप किए हुए निर्मूल हो जाते पुण्य भाव से. सीधी बात है. क्या मंगलाचरण का हेतु बताया? निर्विघ्न समाप्ति. दूसरा हेतु, हेतु क्या है? अपनी आत्मिक विशुद्धि के लिए लिखते हैं, मम परम विशुद्धि, संबंध भद्र स्वामी के शब्दों में, तुलसीदास के शब्दों में, स्वांता सुखाय, स्वांता सुखाय. क्या है वो छंद? स्वांता सुखाय रघुनाथ भक्ति, स्वांता सुखाय, अपने आनंद के लिए लिख रहे हैं. हेतु निमित्त, भव्य जनों के निमित्त से लिखा जाता है ग्रंथ. सुयोग्य जीव, कोई पात्र जीव दिखा, लिखने लग गए. साहब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप हमारे लिए थोड़ी मेहनत करो ना. हुआ जोर मारा, लिखने लग गए. समझ में आ गया? गोमट के निमित्त से गोमट सार लिखा, प्रभाकर भट्ट के निमित्त से परमात्मा प्रकाश लिखा, सोमदेव के निमित्त से द्रव्य संग्रह लिखा. आपने देखा, याद है ना आपको, मैंने खूब बताया था तब भी. सिद्धे के निमित्त से तत्वार सूत्र लिखा गया, शिव कुमार के निमित्त से प्रवचन सार की टीका लिखी गई, आदि आदि आदि. ठीक है, निमित्त. अभी क्या रहा? परिमाण. 150 श्लोकों का ये ग्रंथ है. परिमाण. नाम रत्नकरण श्रावकाचार, और कर्ता समत भद्र स्वामी. ठीक है, देखेंगे कल. ओम नमः.